हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पियर्स ट्यूटर। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का पहला चैप्टर सुपर सेंसेस। तो ये वीडियो जो है क्लास 5 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स सीटीटी एंड केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी है, तो वीडियो पूरा देखिए। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेज 1 एंड 2 का देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, हमारा सुपर सेंसेस के बारे में जो हम इसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। तो हम इंसानों के कितने सुपर सेंसेस है, हमारे 5 senses, super senses। तो how many sense organ है? We have 5 sense organs। अगर copy pen है तो आप note कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है 5 senses? हमारा sense of sight, sense of sound, sense of smell, sense of touch and sense of taste है। तो इस जो 5 senses है इसके लिए हमारा कौन सा organ होते हैं? sense of sight के लिए eye है, sense of sound के लिए ear है, sense of smell के लिए nose है, सेंस ऑफ टच के लिए हमारा स्किन है, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए हमारा टंग है। तो ये सब हमारा सेंस ऑर्गन था और उनका फंक्शंस थे। तो इस वीडियो से हम पढ़ेंगे वाटर सेंस ऑर्गन, तो अभी पढ़ लिए हैं, सेंस ऑर्गन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, सेंस ऑफ स्मेलिंग ऑफ आर्ट्स भी पढ़ेंगे। तो सुपर सेंसेस इस चैप्टर में हमारे जो दिया गया है 3 एग्जाम्पल्स में दिया गया है। पहला एग्जाम्पल्स में दिया गया है, आप बैठ के खा रहे थे रोटी, एक ईगल आके आपके जो है रोटी छीन लिया। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया है, आप बहुत सॉफ्टली चल रहे थे और एक जो कुत्ता सोया हुआ था लेकिन उसका जो कान थोड़ा खड़ा हो गया। और थर्ड एग्जाम्पल में दिया गया है, आप कुछ भी चीज, अगर कोई भी चीज थोड़ा सा गिरा दे मिट्टी के ऊपर, तो आप जो है कुछ देर के बाद देखोगे कि ये जो आंट है उसमें घेरे होंगे। तो ये सारे आप जो है इस तरह के एग्जाम्पल आपके साथ भी हुआ होगा, आप भी देखे होंगे बहुत बार। तो ये होता क्यों है? Why does it happen? Think and tell। कोई बता सकता है ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि जो हमारी तरह एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन होते हैं, उनके भी सुपर सेंसेस होते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि एनिमल्स कैन हियर, सी, टेस्ट, फील एंड स्मेल लाइक अस। हमारी तरह वो भी फील कर सकते हैं, हमारी तरह वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसीलिए, और कोई कोई एनिमल ऐसे होते हैं कि उनके जो है दे कैन फाउंड देयर प्रे फ्रॉम वेरी फार अवे, जैसे कि ईगल जैसे कि रोटी देख लिया है वैसे ही उनके जो वो अपने प्रे जो है अपना खाना वो बहुत दूर से भी देख सकते हैं। और कुछ कुछ अपना दोस्त को भी वो ढूंढ सकते हैं उनके स्मेल से, और कोई कोई बहुत धीमी आवाज भी वो सुन सकते हैं। तो ये है, बहुत अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं जो हमारा एनिमल्स के जो है वो बहुत अमेजिंग है उनका सुपर सेंसेस। नेक्स्ट हम आंट्स का सेंस ऑफ स्मेलिंग पढ़ेंगे। तो हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड? तो आंट का सेंस ऑफ स्मेलिंग को समझने के लिए ये एग्जांपल भी हमें समझना पड़ेगा। एन आंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ ए ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. तो क्या हुआ? यहाँ पे एक group ant जा रहे थे, तो एक ant जो कहाँ रहते हैं, ant hills में रहते हैं, ant hills के बाहर एक जो guard ant था वो उसके पास वो एक group से एक ant आया और उसके smell से वो guard ant को पता चल गया कि ये उसका ग्रुप के आंट है और ये इसका ग्रुप है। उसके बाद वो अपना होल को उनको आने दिया। तो यहाँ पे उनका जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है, जो सेंस ऑफ उनका जो सुपर सेंसेस है, यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेलिंग काम दिया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप एंड हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। तो ये आंसर क्या है? आंसर है बाय द सेंस ऑफ स्मेलिंग। तो दो क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भी ले लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं भी लिख लीजिए। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप एंड हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। तो इसका आंसर होगा, पहला का आंसर होगा कि हमारी तरह क्या एनिमल्स के भी सुपर सेंसेस होते हैं। आंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस। द आंट कुड नो दैट अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप।
एंड सेकेंड का आंसर होगा द गार्ड एंट वुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल, तो उसका सेंस ऑफ स्मेलिंग के वजह से उसको पहचान लिया था। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कोई भी स्वीट थिंग्स, सुगर हो या जागेरी हो, कोई भी थोड़ा सा ग्राउंड में थोड़ा डाल के आपको ये ऑब्जर्व करना है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, कितने देर लगता है एक आंट्स को आने के लिए, इट टेक 15 to 20 minutes, देन डिड वन आंट कम फास्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स केम टूगेदर, एक आंट आता है या ग्रुप आता है, सो आंसर इज फास्ट एन आंट केम देन फॉलोड इट ए ग्रुप ऑफ आंट्स केम टूगेदर, देन वट डिड द आंट्स डू विद द फूड, आंट वो फूड के साथ क्या करते हैं, दे टेक द फूड टू देयर होल, वो अपने होल को ले जाते हैं, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, दे गो फ्रॉम देयर टू देयर होल, वो वहां से उनके होल को जाते हैं, डू दे मूव इन ए लाइन, यस दे मूव इन ए लाइन, क्या सच में आंट एक लाइन में जाते हैं कभी आपने देखे हैं, तो यस दे मूव इन ए लाइन। नेक्स्ट नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए व्हाइल विथ ए पेंसिल, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, तो आपको क्या करना है, थोड़ा एक पेंसिल लेके कोई भी हार्मिंग नहीं पहुंचा के उन आंट्स को आपको ऑब्जर्व करना है हाउ डू द आंट्स मूव, आंट कैसे क्या करेंगे, आंट जो है वो पेंसिल के ऊपर भी वैसे लाइन में जाएंगे बिकॉज दे ऑलवेज मूव ऑन इन ए लाइन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, मतलब एक दिया गया है, क्या दिया गया है, एक साइंटिस्ट मेनी इयर्स एगो, ए साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, ही फाउंड आउट दैट इज द आंट्स मूव दे हैव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये पता चलता है कि जो लीडर आंट है वो जो आगे चलता है वो कुछ स्मेल जो ग्राउंड पे ग्राउंड के ऊपर छोड़ जाता है और उसको जो बाकी आंट्स उसके ग्रुप से फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, ये क्यों ऐसा बिहेव किया, चलो देखते हैं, आंसर इज दे ऑलवेज मूव इन ए लाइन सो टू फॉलो दिस They behave like this. तो एक extra question देखते हैं, Why do ants move in a line? तो answer होगा, The ants move in a line because they follow the smell which the leader ant left behind. तो उसको follow करके वो इसके पीछे चलते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल देखते रहिए, थैंक यू।